हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। भाई ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ, तो पहले ही बोल देती, वीडियो को काट काट कर मत देखना, पूरी वीडियो देखना, क्योंकि बीच बीच में मैं बहुत सारी नॉलेज आप लोगों को देती हूँ। इस बार लाई हूँ मैं गाउन वाली साड़ी के लिए ये वाला कपड़ा। अब मैं ये क्यों लाई हूँ वो मैं आपको बताऊंगी। कपड़े को देखिए आप, बिल्कुल पास से मैं आपको दिखा देती हूँ। जॉर्जेट फैब्रिक है, बहुत ही अच्छा वाला सॉफ्ट जॉर्जेट फैब्रिक है। इससे पहले मैंने जो साड़ी बनाई थी वो मैंने लाइट कलर में बनाई थी, ये मैं डार्क कलर की लाई हूँ। अब दूर ले जाने पर ना ये कपड़ा देखिए कितना महंगा और लाइक्रा वाला कपड़ा लगता है। तो कपड़ा जो सुंदर लगता है ना दूर से जाकर, बहुत महंगा लगता है। इसी वजह से मैं ये डार्क प्रिंट ले आई हूँ। सबसे पहले मैंने लाइट कलर में बनाई थी, ये देखिए। इस पर आप लोगों ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया है, 1 मिलियन व्यूज होने वाले हैं 3 दिन के अंदर अंदर इंस्टाग्राम पर, और यूट्यूब चैनल पर भी बहुत अच्छे व्यूज आए हैं इस पर। तो इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच ऑल व्यूअर्स। आवाज़ थोड़ी सी बदली हुई है क्योंकि 102 फीवर हो रहा है, तो सर्दी जुकाम भी है, पर मुझे काम करना है आप लोगों के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ढेर सारा प्यार देना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर साइड में डोरी लगाई है। डोरी के लिए सबने मुझसे पूछा था, और ए लाइन अगर अंदर लाइनिंग लगाएंगे तो कैसा रहेगा वो भी सब कुछ बताऊंगी डिटेल में, वीडियो पर आप बने रहना। सबसे पहले बात करते हैं तनी की। तो तनी को हमें इस तरीके से लगाना है, जो हमने डोरी साइड में लटकाई है ना मैंने, वो ऐसे अंदर आपको डालनी है, सील देनी है। फिर इसमें लुप्पी इस तरीके से हमें सीलना है और टांका लगा देना है। मशीन से लगा दीजिए या हाथ से लगा दीजिए। इसमें मैंने ना दो लुपियाँ बनाई हैं, एक तो पास में बना दी और एक 6-7 इंच दूर बनाई है। क्यों बनाई है वीडियो में मैं बताऊंगी, इसीलिए कहती हूँ वीडियो को पूरा देखा करो। ये देखिए दो बना दी, आप चाहें तो 3 लुपियाँ भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये बड़े काम की चीज़ है और ये बहुत ही अच्छा जुगाड़ भी है। जो लोग रेडीमेड साड़ी खरीदेंगे ना उनके लिए भी बहुत ही अच्छा जुगाड़ है। तो ये हो गया। अब मैं आपको लाइनिंग की बताती हूँ कि अंदर मैंने किस तरह की लाइनिंग लगाई है। मैंने क्रेप के कपड़े की लगाई है, और बहुत लोग मुझसे कह रहे थे कि जॉइंट ना लगाइए आप, जैसे मैंने पहले वाली साड़ी में लगाया था, आप पूरी ए लाइन लगाएंगे तो ठीक रहेगा क्या? तो मैंने इस बार ए लाइन लगाई है पूरी, और बिल्कुल सही और कम्फर्टेबल लगाई है। कितना भी मोटा बंदा इसको पहन सकता है, यानी 50 चेस्ट तक ये पहना जा सकता है आसानी से। पेटीकोट होता है ना जितना चौड़ा, ऐसे ही बन गया है ये। और आसानी से ना आप ए लाइन नीचे तक लगाइए, आधे में आप लाइनिंग मत लगाइए, बहुत बुरी लग रही हैं वो साड़ियाँ रेडीमेड जिसमें आधे में लाइनिंग लगी है और नीचे से पैर दिख रहे हैं या कुछ भी दिख रहा है, वो बहुत ही बकवास लग रही है। तो आप पूरे में लाइनिंग लगाइए। आप खुद साड़ी बनाएंगे तो देखिए कितना सारा घेर करेंगे। ये देखिए कितना सारा घेर मैंने नीचे बनाया। रेडीमेड साड़ी में तो देखिए बहुत छोटा छोटा सा घेर आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है, इसीलिए मुझे वैसी साड़ियाँ कम पसंद है। अगर आप खुद बना रहे हैं या भाई आप किसी से बनवा रहे हैं तो आप ज़्यादा घेर बनवाइए जिससे कि अच्छा लगे, और नीचे की तरफ ना वजन रखिए। साड़ी जब भी अच्छी लगती है जब नीचे वजन होता है। अगर आप जो रेडीमेड साड़ियाँ ना जिसमें कम घेर है उसमें चलेंगे ना तो बहुत ही अजीब लगेगा, इसीलिए वो साड़ियाँ सस्ती हैं। और अगर आप ऐसी साड़ी बनवाएंगे तो देखिए थोड़ी महंगी तो बनेगी पर बहुत अच्छी भी बनेगी। इसमें ना मैंने ये पेच लगाए हैं इसके, ये मेरे पास नेट थी, नेट के फ्लावर बने हुए हैं और इस तरीके से पेटल्स बनी है बीच में, मतलब डिजाइन बना हुआ है। इसको ना कट करके मैंने लगाया है बॉडी पर, क्योंकि ना भाई जो प्रिंट पर सीक्वेंस का काम होता है ना वो मुझे बहुत पसंद है। बहुत लोगों को तो ये काम पसंद नहीं आएगा कि भाई प्रिंट भी था तो इसकी जरूरत नहीं थी। मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि वो दिखेगा या नहीं दिखेगा, मुझे ये मतलब है कि शाइन करेगा बस, सिर्फ वो मुझे अच्छा लगता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए पूरा बॉर्डर मैंने कट कर लिया है और मोमबत्ती से जलाकर इसको फिनिश कर लिया है। वो होता है ना किसी किसी को कोई चीज़ पसंद होती है, जैसे मुझे ना सीक्वेंस पसंद है तो, पर जैसे प्रिंट के ऊपर मुझे सीक्वेंस बहुत पसंद है। अब मैंने ना एक तरफ लगा दिया, ये कम दिख रहा है ना, कम दिखने से मतलब नहीं, जैसे पहले टाइम पर साड़ियाँ आती थी ना प्रिंट पर सीक्वेंस का काम आता था, वो मुझे बहुत ही पसंद थी। तो ये ना चेस्ट के ऊपर बस ऊपर गले पर मैंने इस तरीके से कर दिया, तो जब इसको पहन रहे हैं ना और शाइन आ रही है तो इतना सुंदर लग रहा है ना, ये मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत सुंदर लग रहा है। सिर्फ गाउन ही पहन लो उतने में ही सुंदर लग रहा है। तो मैंने इस तरीके से कट करके बिल्कुल सारे में कच्चा करके इसको अच्छे से, फिर इसके ऊपर पूरी पत्तियों में जहाँ जैसे टेढ़ा मेढ़ा है ये वैसे मैंने सिलाई लगाई है, और लगाने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है। एक प्लेन पर भी मैं ऐसा वर्क करने वाली हूँ, बने रही है मेरे चैनल के साथ, बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ क्योंकि पहनने पर ज़्यादा नहीं दिखेगा, पर जब आप रियल में देखेंगे ना इसको, रियल में जैसे कैमरे में तो ना सीक्वेंस दब जाता है दिखता नहीं है, पर रियल में देखेंगे तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप इसकी लुक देख सकते हैं, चेस्ट पर थोड़ी शाइनिंग आ रही है ना ऊपर, बस उतना ही आपको कैमरे में दिखेगा, पर रियल में और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये है सिर्फ गाउन की लुक, अभी मैं आपको पूरी साड़ी की लुक भी दिखाऊंगी। भाई दोनों लुक देखेंगे ना हम, ऐसे तो नहीं कि साड़ी ही प्रॉपर पहनेंगे। मैं तो थोड़ी देर बाद अगर ऐसी साड़ी पहनूँ तो भाई पल्ला वल्ला हटा के रख दूंगी। देखिए फ्रिल के नीचे भी मैं एक स्लीव्स लगाती हूँ, ऐसा नहीं सिर्फ फ्रिल लगाई और वो उड़ती फिर रही है, आप हाथ ऊपर नहीं कर पा रहे हैं,
ऐसा मैं कभी नहीं करती हूँ, फ्रिल लगाती हूँ, उसके नीचे भी मेरी एक स्लीव्स जरूर होती है हर चीज में, चाहे ब्लाउज हो चाहे गाउन हो, चाहे मैं दे रही हूँ या अपने लिए बना रही हूँ। ये देखिए लुक कितनी अच्छी आई है, फिटिंग भी बहुत अच्छा आई है, कंफर्टेबल इतना है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और नीचे से आप इसका घेर देख सकते हैं, वजन देख सकते हैं, और ये डोरी बस यहाँ पर इस तरीके से लगा दी। अभी इस डोरी के फायदे भी बताऊंगी, बने रहिए, जुड़े रहिए और पूरी वीडियो जरूर देखिए। तो ये हो गया, अब आ गया हमारा पल्लू। पल्लू पहले नाप लेते हैं कितना मैंने बनाया है, 1, 2 और ये 2.5 मीटर का। भाई 2.5 मीटर के पल्लू कोई भी नहीं देता है, पर मैं पूरे रखती हूँ और कोने पे लगा दिया है मैंने बटन, जैसे मैंने पहले उस साड़ी में जुगाड़ किया था। तो पहले ये जो ऊपर वाली लुप्पी है ना, मैं इसमें आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने 2 लुप्पियाँ बनाई हैं, किस लिए बनाई हैं, क्योंकि भाई अगर जैसे रेडीमेड साड़ी आप खरीद रहे हैं ना, आपका पल्लू छोटा है तो आप अपने पल्लू को बड़ा कर सकते हैं, आप अपनी साड़ी को। देखिए रेडीमेड में तो छोटा ही मिलेगा, मैं रेडीमेड कपड़े भी खरीद कर देख चुकी हूँ कैसे आते हैं कैसे नहीं, और भाई उनकी गलती नहीं, वो बल्क में बनाते हैं तो इतने लोगों की डिमांड पूरी करनी होती है, उनकी भी गलती नहीं है। अगर आप खुद बनाइए या बनवाइए तो भाई साड़ी बेस्ट बनती है, थोड़ी महंगी जरूर बनती है पर अच्छी बनती है। ये हो गया भाई, मैंने बटन लगा दिया और ये मेरा पल्लू वल्लू रखकर एकदम रेडी हो गया है। बहुत ही सुंदर लुक मुझे तो लग रही है, देखिए आप लोगों को कैसी लग रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा ये जॉर्जेट का कपड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि लाइक्रा वाला कपड़ा होता है ना, और लाइक्रा कपड़ा बहुत महंगा आता है, 200 200 300 300 रुपये मीटर आता है, यानी 80 90 रुपये से उसकी शुरुआत होती है और बहुत महंगा आता है। आने का तो 40 रुपये मीटर भी आता है, पर 40 रुपये मीटर वाला लाइक्रा कपड़ा खराब आता है, पर लेकिन जो महंगा वाला होता है ना, बिल्कुल वैसा ही ये लुक दे रही है साड़ी। इसीलिए मैं ये टाइगर प्रिंट की साड़ी लेकर आई हूँ, और पता है बनाने से पहले ही इसका लेने का ऑर्डर भी आ गया था मेरे पास, तो मैंने उनसे कहा पहले साड़ी बनने दो, आप पूरी लुक देखो उसके बाद साड़ी को ऑर्डर करना। पहनने के बाद जैसे रियल में देख रहे हैं ना, तो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है, जैसे आपको कैमरे में लग रही है ना उससे भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। पल्लू को आप कितना भी लूज कीजिए, ढीला रखिए, वो और भी अच्छा लगेगा, चेस्ट पर हमारे डिज़ाइन बनाओ ना। अब देखिए जो दूसरी लुप्पी मैंने लगाई थी ना, उसका फ़ायदा दिखाती हूँ मैं। अब 6-7 इंच नीचे जो लुप्पी बनाई थी उसमें बटन लगा दीजिए। अब होगा क्या, ये पल्लू जो बिल्कुल कोने पर आकर सेट हुआ था ना, ये बीच में आकर सेट होगा, जैसे हम नॉर्मल साड़ियों में हमारा बीच में आ जाता ना, वैसे सेट होगा। बल्कि यहाँ पर मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, साइड में जाने की बजाय ना, ये मुझे यहाँ पर अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया, पीछे चला गया, वरना पता है साइड में भी लंबा सा रह जाता है, वो अजीब लगता है। तो यहाँ पर 1 ही मिनट में इस तरीके से सेट हो गया, और कुछ नहीं, हमारा पल्लू और 6-7 इंच बड़ा हो गया है। अगर आपका साड़ी का पल्लू छोटा आता है तो आप अपने पल्लू को निकाल कर डोरी लगाइए, उसमें लुप्पी बनाइए और बटन लगाकर इस तरीके से जुगाड़ कीजिए। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा तो आप इसकी जो फर्स्ट वीडियो है ना वो भी ज़रूर देखना। इसके पल्लू पर भी ना मैंने फ्रंट पर सीक्वेंस के फ्लावर लगा दिए हैं, जो कि काफ़ी शाइन कर रहे हैं, कैमरे में जरूर आपको नहीं दिख रहे होंगे, पर अगर आपको रात को पहनेंगे इस साड़ी को तो बहुत ही सुंदर लुक आने वाली है। भाई लाइट कलर में तो आपने काफ़ी देख ली थी, डार्क प्रिंट में आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को फॉलो जरूर कीजिए। आने वाले वीडियोज़ में बहुत कुछ है।